हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो यार ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में गेट 2022 के थ्रू वैकेंसी आई है, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की। ये वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो है एज का देख लो यार, जिसकी एज 25 साल से ज्यादा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। एज की जो कट ऑफ डेट है वो है 14 मई 2022, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टोटल पोस्ट 21 है, मैकेनिकल में 10 है, कंप्यूटर साइंस में 9 है, ठीक है। तो इसमें आप ईसी मैकेनिकल सीएससी वाले फिल कर सकते हैं ओनली, ठीक है। अब इन्होंने बोला 9 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। आई थिंक सीएससी में फिर आईटी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप एक बार फॉर्म में चेक कर सकते हो कि वहां पे अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है कि नहीं आता, तो इनके अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते। और फिर बात करते हैं फाइनल ईयर, तो फाइनल ईयर वालों वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम आपको फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो वो दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। अगर उस टाइम आपके पास फाइनल परसेंटेज नहीं है, मीन्स आपके एग्जाम में फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, तब आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो अब इंटरव्यू कब होएगा तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अब तक। परसेंटेज आपको 65% चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी की बात है, जब ट्रेनिंग एक साल की ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 54,880 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद एक साल बाद आपको इस स्केल में प्लेस किया जाएगा 40,000 बेसिक, ठीक है। और उसके अलावा 40,000 के अलावा आपका डीए होता है, एचआरए होता है और कुछ और बेनिफिट होते हैं, ठीक है, जो एज पर कंपनी की पॉलिसी। और बॉन्ड अमाउंट है कि आपको मिनिमम 4 साल कंपनी में सर्व करना ही करना है, ठीक है। एक साल आप ट्रेनिंग में और 3 साल आप एज ए इंजीनियर, ठीक है, टोटल 4 साल। अगर आप 4 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख का बॉन्ड पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजर्वेशन देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्रांच वाइज नहीं बताया हुआ है सीट्स। अब इन्होंने टोटल 40 सीट्स हैं, उसमें बोल दिया कि 20 अनरिजर्व की हैं, 3 ईडब्ल्यूएस की हैं, 13 ओबीसी की हैं, 3 एससी की, 1 एसटी की है। ब्रांच वाइज कुछ नहीं बताया हुआ इन्होंने। इसके अलावा मेथड ऑफ सिलेक्शन वही गेट का स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू। और कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 1:4 में, मतलब एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट। और इंटरव्यू होगा आपका हैदराबाद में। और वेटेज जो है स्कोर और इंटरव्यू की 50-50 है, ठीक है, हाफ गेट स्कोर हाफ आपका इंटरव्यू के मार्क्स, और टोटल आपको 60% लेने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर इसमें ठीक है, तो इसमें और क्या लिखा हुआ इन्होंने, और ये लिखा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी कैप्ट इन पैनल विच विल वैलिड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब जैसे 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, ठीक है, तो 20 कैंडिडेट की लिस्ट ही रखी जाएगी 3 महीने के लिए, कि अगर इनके वेटिंग लिस्ट निकालनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए वो मेंशन की हुई है। अब देखिए इसमें गेट का स्कोर कार्ड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है गेट का एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड भी संभाल के रखना है साथ साथ, ठीक है, हमेशा आगे भी। तो इसके अलावा जो फीस है, फीस 500 है, ठीक है, ओनली जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। और फीस भरनी कैसे है, वो एसबीआई कलेक्ट से भर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें लिंक ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। और अप्लाई कर सकते हैं आप 23 अप्रैल से 14 मई, ठीक है। और इंटरव्यू वगैरह का कोई डेट फाइनल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो यार ओबीसी की सीट्स बहुत ज्यादा है, कि अगर देखा जाए 40 में से 13 सीट ओबीसी की है, तो ओबीसी वालों को काफी फिल कर देना चाहिए। अगर मैं ईसी की बात करूं तो जैसे ईसी में टोटल 21 सीट्स हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि कितनी जनरल की हैं, कितनी एससी एसटी की हैं, कितनी ओबीसी की हैं। तो जनरल में देखो अगर मैं सारी सीट जनरल की मानूं, ठीक है, एक गैस है इंटू 482, इसका डबल कर लो फिर, तो आई थिंक 150 तक अप्लाई कर दो, चांस ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि एज का फैक्टर भी है, 25 है,
अब हो सकता है बीच में कुछ लोग नहीं भरेंगे, जैसे मेरा 35 AIR 35 है, अब मैं फिल नहीं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब जैसे AI, जिसमें EC का AIR जो 1 है वो भी फिल नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ना वो PSU जाएंगे ना MTech में, उनको MSA वगैरह करने जाना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फिल नहीं करेंगे, तो चांस ले सकते हो। तो जो मेरा गैस है कि 150 तक तो भर ही दो, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपके भरना है, ठीक है, आपको चांस लेना है कि लक ट्राई करना, तो आपकी मर्जी है। और अगर आप SC ST या PWD से हो तो उसकी फीस भी नहीं है, फिर आप आपको तो भर ही देना चाहिए। OBC वालों को देख सकते हो, ठीक है, भर देना चाहिए काफी पीछे तक। और एक फैक्टर ये भी है कि इसमें पे स्केल कम है, अगर देखा जाए इसमें बेसिक जो है 40,000 से स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ONGC या पावर ग्रिड का, हालांकि अब तक कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, उसमें 60,000 बेसिक होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग फिल ना करें, ठीक है। तो ये मेरा गैस है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।